वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पावर सिस्टम में। मैं हूं जय। आज हम बात करने वाले हैं थर्मल पावर पंप के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशल मैं टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बनाया हूं, तो आप सबको तो पता ही होगा कि थर्मल पावर पंप होता क्या है और उसमें कितना सारा लोकेशन या फिर पार्ट्स होता है। फ्रेंड्स, हर एक पार्ट्स के बारे में या फिर लोकेशन के बारे में तो बताना पॉसिबल है नहीं है कि वीडियो में। तो आज हम स्पेशली बात करने वाले इस प्लांट के कूलिंग सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही होगा कूलिंग सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली कंडेंसर से जो हॉट वाटर निकल के आते हैं उसको ठंडा करने का काम करता है ये कूलिंग टावर या फिर कूलिंग सिस्टम, जो कि पानी को ठंडा करने के बाद उस पानी को फिर से रिसाइकलिंग किया जाता है। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये कूलिंग टावर। आप सबके सामने जो ये दिख रहा है फ्रेंड्स, ये है कूलिंग टावर का कंस्ट्रक्शन। ऐसे होता है कूलिंग टावर, ये कॉन्क्रीट का बना रहता है। इसका बाहरी तो ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये कॉन्क्रीट का है और अंदर में पीवीसी या मेटल का ये नेट या मेश बना रहता है, जो कि पानी को नीचे की तरफ धीरे धीरे ड्रॉप करता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, पानी को कैसे टावर में धीरे धीरे नीचे की तरफ लाया जा रहा है या फिर ड्रॉप किया जा रहा है। ऐसे करके ड्रॉप किया जाता है ताकि इसका कॉन्टैक्ट बाहरी एटमॉस्फेयर के साथ बहुत अच्छे से बने और ये हीट को बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर पाए और बहुत अच्छा ठंडा हो पाए। दिख रहा है ये अंदर में जो मेश या जो नेट दिख रहा है फ्रेंड्स, ये मेटल या पीवीसी का बना रहता है। पूरा टावर में या फिर पूरा कूलिंग टावर में ये ऐसे ही है। ये हम लोग अभी साइड के तरफ आ गए कूलिंग टावर का। ये सामने की तरह और एक कूलिंग टावर दिख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग। ये दिख रहा है ऊपर में जो फनल की तरह, और कुछ नहीं, इसका फैन कंटेनर है जो कि एक फोर्स्ड ड्राफ्ट को प्रोड्यूस करता है। इंटरनल इसका जो एयर है उसको बाहर की तरफ खींचने के लिए ये फैन लगाया जाता है। और ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये कैनल पानी ये जो निकल रहा है, ये पानी ठंडा होने के बाद इस कैनल के थ्रू निकल के सीधा चला जाता है CW पंप हाउस में। देख सकते हैं कैनल के थ्रू पानी निकल के चला जा रहा है कूलिंग टावर होते हुए। ये पानी ये सीधा सामने की तरफ, वो जो वाइट और ब्लू कलर का शेड दिख रहा है फ्रेंड्स, वो CW पंप हाउस है। वहाँ पे इस पानी को भेजा जाता है, फिर वहाँ से इस पानी को पंप करके इसका रिसाइकलिंग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस कूलिंग टावर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कैसा होता है। ये जो सामने की तरफ एक छोटा सा गेट दिख रहा है फ्रेंड्स, ये स्पेशली इसका मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के लिए बनाया जाता है। ये इसके अंदर चलते हैं। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका अंदर की तरफ हम लोग अभी पहुंच गए हैं, और इसका दोनों साइड पे टावर के दोनों साइड पे ये मेज जैसा दिख रहा है जिसके थ्रू पानी को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं कैसे पानी नीचे की तरफ इसके थ्रू गिर रहा है और ये कैनल के थ्रू से बाहर निकल जा रहा है। ये कूलिंग टावर का बोथ साइड ऐसा ही है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, दोनों साइड एक ही है। ये हम लोग पर्टिकुलर नीचे के ऊपर से खड़ा है, ऊपर से ये जो फैन दिख रहा है फ्रेंड्स, यही फैन फोर्स ड्राफ्ट को प्रोड्यूस करता है और ये चैम्बर का इंटरनल जो एयर है इसको बाहर की तरफ खींच के नीचे जाता है, पानी को ठंडा होने का काम करता है। देख सकते हैं बाहर की तरफ जा रहा है। पूरा टावर में 10 ऐसा चैम्बर अलग अलग बनाया हुआ, सेम सबका वर्क है। अभी हम लोग बाहर की तरफ निकल के आ गए फ्रेंड्स। अभी धीरे धीरे कूलिंग टावर के टॉप में हम लोग जाएंगे फ्रेंड्स। ये इसमें एक स्टेयर बना हुआ है कंक्रीट का, जिसके थ्रू हम लोग अभी टावर के टॉप पे जाएंगे। सामने की तरफ और एक कूलिंग टावर फ्रेंड्स दिख रहा है, इस तरफ और एक कूलिंग टावर है। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या होता है ना, हम लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स जब कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो हम लोगों को थियोरेटिकल नॉलेज तो मिल जाता है, लेकिन एक पॉइंट रह जाता है फ्रेंड्स कि प्रैक्टिकली हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो दिखता कैसे है, कैसे वर्क करता है। तो ये सब चीज़ सोच के ही मैं ये वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, ताकि उसके ज़रिए आप लोगों को चीज़ को समझने में बहुत आसान हो और ये एक इंटरेस्टिंग भी चीज़ है। देख सकते हैं ये हम लोग ऊपर से अभी देख रहे हैं साइड की ओर,
आपको एक कूलिंग टावर दिख रहा है सामने की तरफ, इधर पे CW, फिर इस तरफ अभी देखेंगे तो और एक कूलिंग टावर नजर आएगा, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स और एक कूलिंग टावर है सामने की तरफ। हम लोग जिसमें खड़ा है ये तीसरा नंबर कूलिंग टावर है, देख सकते हैं। ये एक फैन दिख रहा है फ्रेंड्स, ये एक थ्री फेज एसी फैन है जो कि मतलब मोटर है, जिससे कि फैन जो हम लोग देखे है इसका अंदर से उसी फैन को घुमाने का काम करता है ये मोटर। देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा बहुत दिख रहा है फैन को कैसे घूम रहा है, ये ऑलमोस्ट देखने में एक हेलीकॉप्टर के ब्लेड जैसा है। इसका लेंथ बहुत ज़्यादा रहता है और एरिया भी बहुत कवर करता है। ये ड्राफ्ट फोर्स को प्रोड्यूस करता है, फोर्स ड्राफ्ट। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें 10 ऐसा अलग अलग सा चेंबर बना हुआ है और 10 फैन लगा हुआ है, और हर एक चेंबर में ये देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स से अलग अलग मोटर सब फैन को घुमाने के लिए लगा हुआ है, और ऐसे करके इसको कॉपी से कवर किया हुआ है हर एक चेंबर को। ये जो टॉप पोजीशन में ये जो फ्रेंड्स पाइप दिख रहा है, यही पाइप से वो हॉट वाटर को वाटर जो है उसको लाया जाता है, फिर टावर के टॉप से इसको नोजल के थ्रू स्प्रे किया जाता है। स्प्रे इसलिए किया जाता है फ्रेंड्स ताकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए और वो एटमोसफेयर के साथ बहुत अच्छे से कॉन्टैक्ट कर पाए और हीट को बहुत अच्छे से एलिमिनेट करके ठंडा हो पाए। फ्रेंड्स ये टॉप पोजीशन तो हम लोग देख लिया कूलिंग टावर के, इसमें 10 अलग अलग चेंबर है, हर एक चेंबर सेम है, तो फ्रेंड्स सबको देखने का तो कोई ज़रूरत है नहीं। अभी हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं धीरे धीरे, सामने की तरफ और एक कूलिंग टावर दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ये एक बहुत छोटा सा वीडियो था फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कूलिंग टावर के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा आगे और भी ऐसा वीडियो बनाने के लिए और थर्मल पावर प्लांट के हर एक छोटा से छोटा चीज़ को आप लोगों के सामने लाने के लिए फ्रेंड्स। तो इस वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों के सामने ला पाऊँ। तो हम लोग अभी नीचे आ गए फ्रेंड्स, ग्राउंड एरिया पे आ गए। तो ये था फ्रेंड्स कूलिंग टावर के बारे में एक छोटा सा जानकारी, ये हमारा आज का टॉपिक था फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।